morning guys and welcome back to the channel. Place Jaffna. Jaffna के अंदर आपको ज़्यादा hostel नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी जिस hostel में मैं रुका हूँ उस hostel का नाम है यार hostel. और यहाँ पर मैं pay कर रहा हूँ 1000 श्रीलंकन रुपीस पर नाइट, एंड विद ब्रेकफास्ट इट्स 1200 रुपीस पर नाइट. सो के ब्रदर, एंड हाउ फार इज Jaffna टू कोलंबो? इट्स लाइक 109 किलोमीटर्स. 109? Yeah. Jaffna to Colombo. Jaffna to Colombo. 109. शायद भाई को ढंग से पता नहीं है, लेकिन Jaffna से Colombo का जो रास्ता है वो लगभग 250 किलोमीटर से ज़्यादा ही है. आपको Jaffna से Colombo को जाने में लगभग 6-7 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अभी मैं Jaffna से Colombo नहीं जा रहा हूँ. अभी मैं जा रहा हूँ Jaffna से मन्नार. मन्नार के पीछे एक अलग स्टोरी है. मन्नार में बेसिकली क्या है, आप लोगों ने रामेश्वरम के बारे में सुना है कभी? रामेश्वरम, राम सेतु. लगभग मन्नार आइलैंड से रामेश्वरम सिर्फ 30 किलोमीटर रह जाता है. तो आज से लगभग एक साल पहले मैं दूसरी तरफ था, मतलब कि मैं इंडिया से श्रीलंका को देखने की कोशिश कर रहा था. लेकिन आज क्या करूँगा, मैं इंडिया से श्रीलंका को देखने की कोशिश करूँगा. माना कि मन्नार आइलैंड में ज़्यादा देखने को कुछ नहीं है, लेकिन यार मतलब कि जब श्रीलंका से जब इंडिया को देखूँगा ना, मैं वो फील कर रहा है कि मुझे, अरे भाई ये है मेरी कंट्री. तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से मन्नार आइलैंड. तो अब क्या करूँगा, मैं Jaffna से बस पकड़ूँगा. लगभग 103 किलोमीटर है Jaffna से मन्नार, और देखते हैं कितना टाइम लगता है. नॉर्मली 2-3 घंटे लगते हैं, तो मन्नार में 4-5 घंटे रुक के और फिर रात की ट्रेन पकड़ के मैं पहुँच जाऊँगा कोलंबो. और Jaffna में भी आपको एक अलग कनेक्शन मिलता है भाई, लाइक दे आर इंडियन तमिल्स. तो कुछ भी कहो कि भाई हैं तो मेरे ही लोग ना, ये मेरे ही देश के लोग. तो काफ़ी लोग मिलेंगे आपको जिनके साथ आप मज़े कर सकते हो. मैंने ज़्यादा टाइम नहीं बिताया. इन टोटल आप ये मान लीजिए सिर्फ एक दिन था मेरे पास Jaffna के लिए, और एक दिन में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. अन्ना अन्ना मन्नार 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 आइलैंड एंट्री. तो लोगों की बातों में विश्वास मत करना कि Jaffna सेफ नहीं है. ऐसा है, Jaffna इज कम्प्लीटली सेफ. गुड मॉर्निंग, वी आर गोइंग मन्नार. यस कम, नो प्रॉब्लम. कमिंग फ्रॉम दिल्ली. यस मन्नार. तो मन्नार बस? यस कम. 11:40. 11:40 यस. कमिंग फ्रॉम इंडिया. प्रसाद दीपांशु. रजनी है, रजनी रजनी है, कमल है, विजय कमल कमल है, रजनी आयत आयत विजय विजय. And you? Who is you? Which is? Madhive. Madhive. Ah, Dhanush. Our Kamal is playing good, na. Tamil, konjam konjam. English. English. English or Jawa Mandiriya. Hindi or Jodi Pilam? English, ille. Mande. No. Lille, ille. Hindi. Hindi or Jodi Pilam? Mande kani kaise? Singala. Singala ille. Only Tamil. हाँ तो देख लो, आपको Jaffna के अंदर ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनको सिंगला नहीं आती होगी, सिर्फ तमिल. यूट्यूब श्रीलंका नो जल्लिकट्टू इले सम एक्सपेरिमेंट ए पोड़ा ये पो. कैसा लग रहा हूँ मैं? 11:40 का टाइम है और लगभग 2:30 बजे हम Jaffna नहीं मन्नार पहुंच जाएंगे. बस अभी थोड़ी देर में बस चलने वाली है यहाँ से. लेकिन यहाँ पर भी जितने भी श्रीलंका में बसेज हैं, हर एक के कलर, अंदर से डिज़ाइन और अंदर चलते हुए वीडियो सॉन्ग्स, और कई कई बार जो अपने वीडियो कोच पहुंचने वाले
பத்தி அப்புறம் சொல்றேன். मन्नार पहुंच गए हैं, लेकिन मन्नार से भी आगे है थलाई मन्नार, जो लगभग एक काइंड ऑफ लास्ट सिटी पड़ती है। जैसे अपने रामेश्वरम से धनुषकोडी है, वैसे ही मन्नार से थलाई मन्नार। रामेश्वरम से धनुषकोडी शायद 30 या 40 किलोमीटर्स है। और यहाँ पर आपको काफ़ी जो डच बिल्डिंग्स हैं, जैसे डच फोर्ट, मन्नार में भी एक डच फोर्ट पड़ता है। थलाई मन्नार बस आउट। मैं सोच रहा था कहीं पे मेरे को क्लॉक रूम मिल जाए, लेकिन क्लॉक रूम कहीं पर भी नहीं है। क्लॉक रूम यानी यार जहाँ पे सामान रख दूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पे मिलेगा, क्योंकि 2-3 बंदों से मैंने पूछा है और उनको कोई आइडिया नहीं है। बस चलने को अभी तैयार। थलाई मन्नार किलोमीटर 36 टाइम 1 आवर 1.5 आवर रोड नॉट गुड भैया, नॉट गुड, नॉट गुड। अन्ना बता रहे हैं लगभग 15 किलोमीटर तक तो एकदम बढ़िया रोड है, और 15 किलोमीटर के बाद बहुत टाइम लग जाता है, यानी 40 किलोमीटर कवर करने में हमें लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा। तो भाई इसका मतलब अच्छे रोड नहीं है। और बाकी आज रात को मुझे यहाँ से कोलंबो भी जाना है, तो कोलंबो के लिए या तो मैं ट्रेन लेने वाला हूँ या फिर यहाँ से जो एसी बसेज आती हैं। पहुंच गया थलाई मन्नार, यहाँ पे बस छोड़ देगी, थोड़ा सा आगे जाके मेरे को बीच मिल जाएगा। हेलो, कैन यू ड्रॉप मी टू बीच? थैंक यू। नंद्री, आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया? यस। इंडिया वेयर? न्यू दिल्ली। यू वॉच आईपीएल? यस। टीम? वी सपोर्ट दिल्ली डेविल्स। Yeah, you like Delhi Daredevils? Yes. Ah. Nitera Koka Koka. So hitchhiking in Mannar for 200 meters. Thalai Mannar guest house. Nanti Anna. Tidik, tidik. Paalat. English. Kutti kutti basar raha, kutti ki. நேல நேவி நேவி தான் இருக்கணும் என்ன நியர் நியர் இல்லையா அதான் போகணும்னா நேவி யூ ஆர் கோயிங் டு இந்தியா நோ ராமல் ராமசேது குட்டி குட்டி நியர் நியர் குட்டி குட்டிரா ஓ குட்டி குட்டி போறதுக்குனா போட்ல கே நேவி 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 கேஸ் ஆ சுடுவா அவள போடுறாங்க அது। पहले दिन को ये लग रहा है कि मैं बोट के थ्रू इंडिया जा रहा हूँ, मैं बोला कि राम सेतु, तो बोलते हैं रामेश्वरम इंडिया इंडिया, बोलता नहीं भाई इंडिया नहीं जाना, मेरे को राम सेतु देखना है। तो बोल रहे कि नहीं भाई यहाँ पे नेवी है और नेवी अलाउ नहीं करते, नेवी नेवी मैंने कुमार है। कुमार है तो अभी कुमार भैया के पास ऑटो है, और कुमार भैया जो लास्ट विलेज है ना उधर जहाँ से राम सेतु स्टार्ट होता है वहाँ पर लेके जाएंगे। और एक बात मुझे गलत लगी यार, माना मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, लेकिन इस ब्रिज का नाम एडम्स ब्रिज क्यों रखा? मतलब कि हर चीज़ में एडम को घुसा दो। कुमार है नेम। तो बोट वाला प्लान तो हो गया कैंसिल, क्योंकि नेवी अलाउड नहीं करेगी, और मेरे पास लगेज भी ज़्यादा है, और ऊपर से मैं रह गया इंडियन, और गलती से भी उनको ऐसा लग गया ना कि भाई ये लोंडा सीधा यहाँ से इंडिया जाने की कोशिश कर रहा है, तो लटका देंगे मेरे को। और इन चीज़ों में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, तो ये रिस्क मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं बस क्या कर रहा हूँ, जो लास्ट विलेज है जहाँ से
राम सेतु स्टार्ट होता है वहाँ तक जा रहा हूँ, और वहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा उस चीज़ के बारे में बता दूँ और मैं भी ढंग से देख लूँ। बाकी यहाँ पर मेरे को अभी तक एक भी टूरिस्ट नहीं मिला है। कौन जो है लास्ट विलेज नेम? एडम ब्रिज। एडम ब्रिज India, this side? Oh, Rameshwaram. That's from this side. Dhanushkodi. Wow, this side Talamanar. This side. Navy. Yes. There. Yes. There. मन्नार आइलैंड के राम सेतु के ऊपर खड़ा हूँ मैं अभी, और इससे आगे यहाँ के जो नेवी है वो अलाउ नहीं कर रही है। मैंने लगभग यहाँ के जो 6-7 फिशरमैन उनसे बात की। एकदम फिशिंग हार्बर पे हूँ मैं, लेकिन हर कोई मना कर रहा है कि इससे आगे नहीं जा सकते आप, आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है और वो भी कोलंबो में मिलती है अगर आपको राम सेतु के बीच तक जाना है तो। ये बात गलत है यार। तो यूँ मान लीजिए श्रीलंका की तरफ से मन्नार आइलैंड और इंडिया की तरफ से धनुषकोडी एकदम एंड पॉइंट है। मतलब कि धनुषकोडी से आगे अपन इंडिया की तरफ से नहीं जा सकते और मन्नार आइलैंड से आगे हम श्रीलंका की तरफ से नहीं जा सकते। और अब वापस आता हूँ एडम्स ब्रिज वाली बात के ऊपर। मतलब श्रीलंका और इंडिया के बीच में अगर कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको एडम ब्रिज। मतलब कि यार अंग्रेज़ों ने बेफालतू में जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी है वो इधर थोप दी। देखो माइथोलॉजी हर रिलीजन में है, चाहे वो क्रिश्चियन माइथोलॉजी ले लो, चाहे वो हिंदू माइथोलॉजी ले लो, चाहे वो मुस्लिम ले लो, चाहे सिख, मतलब कि हर रिलीजन में माइथोलॉजी एग्जिस्ट करती है। लेकिन नाम ऐसे रखने चाहिए ताकि उस एरिया के लोग उसके साथ बिलोंग कर पाएँ। अब यूँ बताइए आप, एडम्स ब्रिज सही लगेगा फिर यहाँ पर राम सेतु सही लगेगा? पर क्या कर सकते हैं भाई, अंग्रेज़ों ने नाम रख दिया इसका, तो जो राम सेतु ब्रिज है इसको एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। तो गाइस अगर आप श्रीलंका की तरफ राम सेतु पर आना चाहते हो तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी आगे तक जाने के लिए। बाकी आप मन्नार आइलैंड तक आ सकते हो। ना धनुषकोडी 13 किलोमीटर 18 एंड रामेश्वरम 32। तो देखो यार अब ये बात है, कोई कह रहा है कि परमिशन कोलंबो में मिलती है, कोई कह रहा है कि परमिशन यहीं पे मिलती है। और मैं पहले उस पियर पे गया था और लोगों से मैंने पूछा कि भाई मेरे को बोट चाहिए जो मेरे को इधर तक घुमा दे, लेकिन उस पियर के ऊपर बोलते हैं नहीं 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 कोलंबो से परमिशन लेके आने पड़ेगी, नेवी से वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे पहुँचा तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं परमिशन आपको सुबह मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो सिस्टम है उसका कुछ पता नहीं चलता। एक चीज़ होनी चाहिए ना यार कि हाँ भाई परमिशन यहाँ से मिलेगी, कुछ पता नहीं है कि आपको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप बोट के ऊपर जा सकते हो या नहीं जा सकते। लेकिन यार मेरे हिसाब से जा सकते हैं। देखो यार अभी तक मैंने कोई इसके बारे में ब्लॉग तो पढ़ा नहीं है, ना कोई मैंने वीडियो देखी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मन्नार नहीं आते। यहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ से जो रामेश्वरम का टावर है वो दिख जाता है, और तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। बाकी एकदम सिधाई में है रामेश्वरम, सिर्फ मेरे को यहाँ से 2 आइलैंड दिखाई दे रहे हैं। ये वाली लैंड तो यहीं पे ख़त्म हो जा रही है बिल्कुल पास में, मतलब यूँ मान लो 200 मीटर के बाद यहाँ पे ख़त्म हो गई है, और इस साइड तो सिर्फ 100 मीटर बीच के ऊपर मैं गया था जब। लेकिन उसके बाद 3-4 आइलैंड और हैं छोटे 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 छोटे, मतलब कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में प्रॉपर आइलैंड नहीं है वो, उनमें सैंड ड्यून्स बने हुए, मतलब कि थोड़ी सी रेत की परत वो ऊपर उठी हुई है, क्योंकि इस एरिया में तगड़ी वेव्स तो आती नहीं है और उस कारण से जो सोयल इरोजन है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। और आप चाहो तो एक एक आइलैंड को स्विम करके इंडिया से श्रीलंका शायद पहुंच सकते हो। मेरे हिसाब से अभी सनसेट को रिकॉर्ड कर रहा हूं यार मैं, बाकी बात आपको सनसेट के बाद। और इसी के साथ जो मेरी मन्नार की ट्रिप भी वो भी ख़त्म होती है, और ऑलमोस्ट श्रीलंका की ट्रिप भी ख़त्म हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, प्राइवेट बस स्टैंड जाऊँगा, वहाँ पर बस का वेट करना है, और 1-1.5 घंटे बाद बस आ जाएगी और बस पकड़ के सीधा कोलंबो। तो अब करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म। तो बस गाइस अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी, अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो।
तो बस गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ. और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको कोलंबो में. बाय बाय. बीती जाए जिंदगानी, कब आएगी तू? चलिया तू चलिया.